तो अब लास्ट में जब है तो अब यहाँ से जाने का समय है। तब परमात्मा हमें ये सत्य गीता ज्ञान सुना के हमको रास्ता बता रहे हैं। और ये देखिए, हम इन चार युगों में कितनी बुराइयों के अधीन हो गए, आप सर्वे करिए। पहले के लोग दूध पीते थे, जूस पीते थे, पेड़ा मेवा ये सब खाते थे, लेकिन आज के लोग, क्या आपको नहीं लग रहा हम बहुत गिरावट में चले गए? जो बेस्वाद चीजें हैं, जो शरीर को नुकसान देने वाली चीजें हैं, हम उनके अधीन होते चले गए। ऐसी गिरावट क्यों आई? उसका कारण यही है कि आत्मा कमजोर हुई। जैसे व्यक्ति का जब मन खराब होता है ना, तो उसका मन किसी से बात करने का नहीं होता है, और कोई अच्छी बात भी कहे ना तो उसको अच्छी नहीं लगती है, होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही आज आत्मा कमजोर हुई है, तो उसको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लग रही। उसको दूध अच्छा नहीं लग रहा, उसको जूस अच्छा नहीं लग रहा, मेवा अच्छे नहीं लग रहे। उसके लिए कहेंगे हम पे का पैसा है जो खाए ये सब चीजें। और पैसा है तो किसके लिए है? गुटखा खाने के लिए पैसा है, शराब पीने के लिए पैसा है, मेवा खाने के लिए, दूध पीने के लिए पैसा ही नहीं है। अच्छा, कोई गरीब है आज के समय में? एक रिक्शा वाले के पास 10,000 का मोबाइल है, बताइए गरीब है? नहीं है। बताइए गरीब है? सरकार जो है, सरकार की तरफ से ही नियम है, हर लेबर को 300 रुपए, मिस्त्री है उसको 500 रुपए। ठीक है, कम है क्या दिन भर में? नहीं, नहीं कम है ना। तो अब वो पैसे अगर घर में नहीं लाएगा तो गरीब कौन होगा? फिर अगर उनको समझाओ ये बातें तो कहते फैक्ट्री बंद कराओ। ये बिजली क्यों है? ये फैक्ट्री बंद कराओ। अच्छा, पहले लैंडलाइन फोन चलते थे, आपने क्यों हटा दिए अपने घर से? आपने नहीं सोचा कि वो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उनका क्या होगा? क्यों नहीं सोचा? आप मोबाइल क्यों लाए? और साधारण मोबाइल भी नहीं, अब फिर एंड्रॉइड मोबाइल ले आए। आपने नहीं सोचा उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी? गुटखा जो मेरे शरीर को नुकसान देता है, शराब जो मेरे शरीर को गलाती है, उसकी हम चिंता करें कि उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी? अच्छा, उन्हें क्या घाटा है? उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे, विदेशों में पढ़ रहे। जो मीरास कंपनी वाले हैं, वो गुटखा बनाते हैं, उदयपुर में उनकी कोठियां बनी हुई है। मैं गई थी उदयपुर तो देखा, 3-4 कोठियां तो हमने देखी ली, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बनी है। वो गाड़ियों से वो अपने कमरे तक जाते हैं, तैयार होके वो गाड़ी में बैठ के वो कमरे से गाड़ी उनको जहां ले जानी होती वहां तक वो गाड़ी ले जाती है। तो वो तो इतने अमीर हैं, और आप ये सब खा खा के क्या हो रहे? शरीर कमजोर हो रहा है। अब जब शरीर में ही ताकत नहीं होगी तो आप अपने बच्चों को क्या संभालेंगे? क्या संभालेंगे? फिर देश को क्या संभालेंगे? अभी कितने लोग शहीद हो गए देखे, विस्फोटक पदार्थ ऐसे करके, और कितने जवान मर गए। अब जब हमारे शरीर में ताकत ही नहीं होगी, हम देश को क्या बचाएंगे? पहले के लोगों ने, जवानों ने हमारे देश को आजाद कराने में अपना जी जान लगा दिया, और हम जब बुद्धि से, शरीर से इतने कमजोर हो जाएंगे तो हम देश की रक्षा क्या करेंगे? कर पाएंगे कुछ? जो शरीर में ताकत ही नहीं है, शराबी में ताकत होती है? बेचारा खुद तो संभाल नहीं पाता, अपने शरीर को नाली में पड़ा रहता है, कुत्ता भी उसकी इज्जत नहीं करता, पेशाब करके चला जाता है, इतनी वैल्यू रह जाती है उसकी। और देश क्या संभालेगा, परिवार क्या संभालेगा, अपने बच्चे क्या संभालेगा? तो इस तरह से उनकी ये बेकदरी, मनुष्य जो बुद्धिजीवी प्राणी है, समझदार प्राणी है, उसका ये हाल है, बुद्धिजीवी प्राणी। तो इसीलिए तो जो हमारे यहाँ जानवर भी पाले जाते, वो भी इन चीजों को नहीं खाते। अगर उनके सानी में आ जाए तो वो चारा खाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो सब इसका चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं अपने ऊपर। और मंदिर में इसका निषेध है, जो मूर्तियां इंसान ने बनाई उन पे चढ़ाना निषेध है, और जो मूर्ति भगवान ने बनाई उस पर हम रात दिन ये सब चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। मंदिर में चढ़ाएंगे खुशबूदार अगरबत्ती, और शरीर पे चढ़ाएंगे व्यसन बत्ती।